विधानसभा चुनाव के तहत मतदान दलों में नियुक्त मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय का 3 दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण गुरुवार को बटावदा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जारी रहा। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के दूसरे दिन क्रमांक 501 से 1000 तक के मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय को मास्टर ट्रेनर व दक्ष प्रशिक्षकों की टीम ने मतदान दिवस पर उनके दायित्वों और कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए आवश्यक प्रपत्र संधारण, मॉक पोल, ईवीएम की कार्यप्रणाली आदि का सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में प्रभारी अधिकारी कृष्णा शुक्ला ने कहा कि निर्वाचन विभाग की अपेक्षा के अनुरूप निर्वाचन नियमों की पालना करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भूमिका पूर्ण निष्ठा के साथ अदा करें। उन्होंने मतदान अधिकारियों को निष्पक्ष होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने की बात कही। इस दौरान सभी को मतदान करने तथा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का संदेश देते हुए शपथ भी दिलवाई गई। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या आप लोग जब 8 घंटे अपने ऑफिस की या अपने स्कूल की ड्यूटी को आप बहुत अच्छे से संपन्न कर रहे हैं तो एक दिन चुनाव की ड्यूटी में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बल्कि मैं चुनाव की ड्यूटी हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, हम लोकतंत्र के योद्धा हैं। सरकारी नौकरी तो हम कर रहे हैं हम अपने स्वार्थों के लिए, अपनी दैनिक जो हमारी जो रोजी रोटी है उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन चुनाव की ड्यूटी हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है क्योंकि हम इसी के माध्यम से लोकतंत्र को अपने पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं। और आप देखिए कि चुनाव आयोग की आप लोगों पर कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है कि आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट दायित्व दिया गया है। जिस दिन आप लोग बूथ पर बैठेंगे, चुनाव ड्यूटी को एसपीओ संपन्न करवाएंगे, आप देखेंगे कि आम आदमी को, चाहे वो कितना भी बड़ा हैसियत वाला हो, कितनी भी उसकी अप्रोच हो, उसको 100 मीटर के दायरे के अंदर एंट्री करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, जबकि उसी बूथ पर आपको सभी अधिकार देकर के बिठाया जाता है, आपको समस्त अधिकार दिए जाते हैं। अब आप अपनी गरिमा को पहचाने कि चुनाव आयोग ने आप पर कितना विश्वास व्यक्त किया है।